मेरे प्यारे बच्चों, मैं विपुल गुप्ता डॉन वास्को स्कूल से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई अपनी प्रभावशाली तरीके से कैसे कर सकते हैं। हाउ टू स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिवली, प्रभावशाली तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें। जैसा कि बच्चों सभी को पता है कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं और बच्चों को क्लासरूम फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। फिर भी टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टडी कंटेंट, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करें, जिसमें आपका भी सहयोग बहुत ज़रूरी है। टीचर अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ सिर्फ क्लासरूम में ही पढ़ाई हो पाएगी, तो मैं आपको बता दूँ कि 100% परफेक्शन वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। आमिर खान का नाम सुना होगा आपने, उनको क्या कहा जाता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो परफेक्ट हैं ऐसा कहा जाता है, बट उनकी भी जो लास्ट मूवी है वो फ्लॉप हो गई थी। तो 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। जो भी आपके टीचर्स आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है सभी टीचर्स के द्वारा, चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, किसी भी ट्यूशन के हों, या किसी ऑनलाइन ग्रुप हो स्टडी का, वो आपको 100% अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक आपकी फ्यूचर नहीं बन पाएगा, ठीक है, आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। तो मैं विपुल गुप्ता हूँ और मैं डॉन वास्को स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को कैसे प्रभावशाली तरीके से कर पाएँ इस पेंडेमिक के टाइम, कोरोना महामारी के टाइम। सबसे पहली बात, आपको शायद लगता हो कि आपके टीचर्स आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर नज़र नहीं रखते, तो आप टाइम को वेस्ट करें और आपका उसमें कोई नुकसान नहीं। बच्चों सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जितने टीचर्स और पेरेंट्स वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आपको फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं, आपको तंग करने के लिए नहीं, फैसिलिटेट करते हैं, ना कि इरिटेट। आप फैसिलिटेट होते हैं, आप इरिटेट नहीं होते हैं। वो चाहते हैं, जो भी आपसे बड़े हैं वो चाहते हैं कि आप फ्यूचर आपका अच्छा हो, फ्यूचर आपका अच्छा हो, और उसके लिए कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वेस्ट करूँ टाइम को, तो आप अपना नुकसान करेंगे। इसीलिए कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत करिए। ऑनलाइन स्टडी के जो शेड्यूल्स हैं उनको फॉलो करिए, जो भी टीचर्स आपको टाइम देते हैं पढ़ने के लिए उसको पढ़िए। दूसरी बात, ऑनलाइन पढ़ाई में मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है बिना किसी पेन, बिना किसी नोटबुक के बैठ जाते हैं, क्लासेस मोबाइल पे हो जाती हैं और उसके बाद पढ़ना भूल जाते हैं बच्चे। तो कोशिश करें कि आपके पास पेन और नोटबुक अवेलेबल हो, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो आपके हाथों में हो, और आप उसका यूज करें। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको और क्या क्या करना है। जैसे आपकी लेक्चर्स जब आपके देख लेते हैं आप यूट्यूब पे या जो भी आपको जैसे भी जिस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किए जाते हैं लेक्चर्स, उनको देखने के बाद को बुक को रीड करना है। बुक रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बुक को रीड करना। आप बस बुक का इम्पोर्टेंस ऐसे पता लगा सकते हैं कि जितने भी मेजर धर्म है, मेजर रिलीजन है, उन सभी की एक बुक है जो उसको रिप्रेजेंट करती है। आप देख सकते हैं सभी के, मैंने यहाँ पे फोटोज दिया है, भागवत गीता है, कुरान शरीफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइबल, होली बाइबल, और ये गुरु ग्रंथ साहिब। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि बुक की महत्वता क्या है। दूसरी बात, आप मेमोराइज तभी कर पाएंगे, यू कैन, यहाँ पे सी होगा, यू कैन मेमोराइज एंड रिप्रोड्यूस रिटन मटेरियल्स ओनली वेन यू रीड योर सेल्फ। तो यहाँ से ये बताने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ आपको कि जब आप खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपको मेमोराइज होंगी चीज़ें, ठीक है, क्या लिखा गया तभी याद होगा, तभी मेमोराइज होगा, और उसको आप रिक्रिएट कर पाएंगे जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे ऑनलाइन लेक्चर्स की बात। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगली बात यह है, कोशिश करें कि आप वीडियोस जो देखते हैं यूट्यूब पे, यू 480p या 360p में हो, कम इंटरनेट के साथ अच्छी क्वालिटी मिल जाती है आपको इन दोनों रेंज में, ठीक है। इससे ज़्यादा करेंगे तो जनरली स्टॉप हो जाता है वीडियो, बफरिंग काफ़ी सारी होती है,
तो अगर आपके यहाँ इंटरनेट अच्छा है 480p भी देखिए, अगर इंटरनेट थोड़ा सा लो है 360p पे देखिए, अगर हो सके तो आप ऑफलाइन देखिए। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है ऑप्शन, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, एक्सटेंडेड प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि यूट्यूब के वीडियो को डाउनलोड करने में मदद करते हैं। आपको एक नाम मैं बता देता हूँ, आप इस ये आपको ट्यूबमेट, ये आपको गूगल प्ले पे नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा गूगल क्रोम में। आप सर्च करेंगे या किसी ब्राउजर में सर्च करेंगे ट्यूबमेट मिलेगा, ट्यूबमेट APK डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके थ्रू आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मनपसंद तरीके से। ओके आगे चलते हैं। अगर पॉसिबल हो तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे वीडियोस देखने की कोशिश करें आप। डेस्कटॉप और लैपटॉप यानी कंप्यूटर पे जब या लैपटॉप पे आप वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी हिंड्रेंस नहीं होती है। जनरली मोबाइल फोन्स में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, गेम्स काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं, तो अगर अगर आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप अवेलेबल हो तो आप अपने लेक्चर्स, अपने ऑनलाइन लेक्चर्स डेस्कटॉप या लैपटॉप पे ही देखने की कोशिश करें। आगे यहाँ पे दो मोबाइल देख रहे होंगे आप, यह है लैंडस्केप ओरिएंशन और लैंडस्केप मोड, और यह है पोर्ट्रेट मोड। कोशिश करें कि आप लैंडस्केप मोड में ही आप अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि जब आप लैंडस्केप मोड में पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे पूरा स्क्रीन आपका कवर हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन जो कि आपको डिस्टर्ब कर सके ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि लैंडस्केप मोड में ही देखें आप वीडियोस को, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच पाए। पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारी जगह नोटिफिकेशन के लिए कवर हो जाती है ऊपर, और हमेशा नोटिफिकेशन अपडेट आते रहते हैं, जिससे कि आपको पता नहीं लगता कि क्या करना है, वीडियोस देखते देखते कुछ और करने लगते हैं, और नीचे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक दिक्कत आती है जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो बाहर से आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप उसके लिए हेडफोन यूज़ कर सकते हैं, बाहर से कोई आवाज़ नहीं आएगी और आपको टीचर की बात, टीचर का लेक्चर अच्छे से सुनाई देगा। अगला है आप स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं, अगर पेरेंट्स आपके चाहते हैं कि वो आप पढ़ाई क्या करें वो देख पाएँ तो आप स्पीकर्स का यूज़ कर सकते हैं, और स्पीकर्स के यूज़ से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये अंतिम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube पे कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में ना पढ़ें बच्चों। जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट करने से अच्छा है उस टाइम को आप यूज़ करें। तो ये वीडियो मैं आपको ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड गाइड करने के लिए बनाया मैंने ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप फॉलो भी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।